सीमा, नी तू फेर रोन रही है? कोई भी नहीं बेबे, कोई भी नहीं। क्यों नहीं? नी क्या तूने अपना हाल बना लिया रो रो के? हैं देख मेरी सोनी थी, कुछ पता भी है नी? ऐसी हालत में ना लोग बहुता बहुता खाते हैं, खुश खुश रहते हैं, बच्चे की सेहत पे रोने से असर पड़ता है। अपना हाल देखा, सुख की तीला हो गई है, क्या हाल बना लिया रो रो के अपना। बेबे तुम विदु को वापस बुला ले। किवें बुला ला वापस, बता। मेरा भी दिल करता अपने पोत से मिलने को, पर ना उसका कोई अता पता हो फिर कोई उसको लब के ले आए ना। वो चाचा मुंशी कहता है खत के लफाफे के पीछे ना पता भी लिखा होता है, तो उसी पते पे मीनू को खत लिख के भेज दे या चाचा मुंशी से कह दे शहर जाके उसे वापस ले आए। मुझे पूरा यकीन है वो मेरे लिए ना सही अपने अपने बच्चे के लिए जरूर वापस आ जाएगा। नो मेरी, नो नो मेरा बच्चा, नहीं तुझे मेरी सौंह एक अथरू जे तू देखे थे। मैं तेरे अब्बे से गल करती हूँ कि वो जाके मुंशी को बुलाए और उसे कहे कि उसका कोई अता पता हमें ढूंढ के दे, मैं आप लग के लाऊंगी अपने पुत को। सोए अपनी बेबे की, हुन अगर तेरी अख विच एक अथरू भी आया ना तो बस मैं समझ ला तेरी बेबे मारी जाए ना कर गए ना मेरी थी। देख सीमा, मैंने तुझे कभी भी अपनी नौ नहीं समझा, तू तो मेरी सोनी पागा वाली थी है थी। दुख सुख तो हर बंदे के साथ ही है, पर इसे रल मिल के बढ़ते होते हैं। अब मैं तेरी आंख में ना एक भी अथरू ना देखूं, ठीक है? हेलो मॉम, मॉम मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटा मामा को भी हर वक्त आप ही का ख्याल रहता है। तो आप भी मुझसे मिलने आ जाओ ना, जैसे मैं आपसे फोन पे चुप के बात कर रहा हूँ। तुम्हें ख्याल है उसका? दुनिया की हर चीज ला के दे सकते हो पर माँ नहीं ला के दे सकते। ये कैसी मोहब्बत है शिराज भाई? तुम नहीं समझ सकते ये सब कुछ, तो आप समझा देना शिराज भाई। अगर आपकी बात मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं भी अली की तरह छुप छुप के रोता रहूंगा। प्लीज शिराज, अपने लिए नहीं तो अली की खातिर ही कर लो मुझसे शादी, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी।
एक्सक्यूज मी सर, सर वो 5 बजे नोवेल्टी इंटरनेशनल के साथ हमारी मीटिंग है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। राबिया प्लीज, आप और हमदानी साहब चले जाएं, वो मीटिंग अटेंड कर लें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके सर। ओ यारा, ओ मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई जो मुझे इस तरह की बुरी दे दी तूने? चम्मी कहने मुझे कुटती रहती है और मेरे पे जुलम की इंतहा हो गई है मेरे बोला, और मुझे माफ कर दे। ओए बने भी है, बने भी आज के दिन ये देख सारे बने भी है, ये पैर भी बने हैं। बाबा क्या, अरे भैया जी मैं क्या करूं? तोती पुत्र, तोती मेरा बच्चा बैठ इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, देख मेरा पुत्र, देख तेरी बेबे को तो मुझ पे कोई रैम शैम नहीं आता, वो बड़ी मनाफक सी है। नहीं बहुत अच्छी है मगर रैम नहीं खाती। तुझे भी मेरे पे तरस नहीं आता? तरस तो आता है। अच्छा, पर मैंने खाना नहीं है। अच्छा यार लगा देख, मेरे पैर भी सूज गए, हाथ भी सूज गए, मुझे खोल दे बड़ी पीर हो रही है। ना जी ना, अगर मैंने तेरी रस्सियां खोल दी ना तो बेबे मेरा आके पेजा खोल देगी। नहीं नहीं कुछ भी नहीं करती, कुछ कह रही नहीं बेबे, कुछ नहीं करती। मैंने तुझे कहा ना बेबे मुझे बहुत मारेगी। यार कैसी बातें कर रहे, नहीं मार। अच्छा ऐसी ऐसी बात है ना तो मैं जामन हूँ, मैं बुकलम खुद शौका जामन, मैं जमाना देता हूँ, अगर तुझे मारेगी ना मैं बचाऊंगा तुझे। अच्छा अच्छा, तू तो मुझे बचा लेगा ना? हाँ? पर तुझे कौन बचाएगा? हाँ? हाँ। दबाओ मुझे, पता रहने दे, मुझे मार जाने दे, जा दबाओ। ना जी ना, मैंने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे मुझे बेबे तेरी निगरानी के लिए बिठा के गई है। और हाँ, अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो मैं बेबे को बुला लूंगा। मेरे अल्लाह, ओए बेबे को बुला रहेगा मुझे अपनी गिरानी पे। बात सुन, फिर ऐसा कर, तेरे पियो की लाश इधर ही पड़ी होगी, उन्हें इधर ही मरना है, 5-6 साल इधर ही बैठा रहे तू, ओए मुनाफिक बेबे के बच्चे। हाँ ओए ओ बछीरिया, ओ बछीरिया, ओ लकड़ियों का ध्यान रखी, ओए मोरी बांसों सारी ऐसी ना फूकी जाना सब कुछ। मुंशी सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम हमदू। ओ सुना भाई। तू सुना, तेरा क्या हाल है? ओ मैं तो ठीक हूँ, पर ये बता के मीदे का को खाते खुद शहर से को पैसे पूसे आते हैं कि नहीं? यार पैसे भी आते हैं, खत भी आता है। ये वे खत, अब तू मुझे ये बता कि शहर का पता मीदे का लिखा हुआ है इस पे? यार ये देख कितना बड़ा बड़ा, ओए अन्या ये देख, देख कितना बड़ा बड़ा उसने पता लिख के भेजा। ओए मुंशी उसका पता लिखा हुआ है? आ फिर चलें शहर उसको लेके आए। वरना ये बता, वो मुझे अपना कोई काम नहीं है, और मैं सारी उम्र तेरे ही काम करता रहूंगा। वो उधर वो पुत्र तेरा कमाइयां कर रहा है, तुझे क्या तकलीफ है? वो कमाइयां कर रहा है, सब वाली करे, मुझे क्या तकलीफ है? लेकिन पीछे पिंड का भी तो ध्यान रखे ना, बूढ़ा हो गया हूँ यार, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। और उसकी बूढ़ी जो है ना, सारा दिन दरवाजे के साथ लगी, उसकी राह तकती रहती है। शाबाश शाबाश, कर बहाने उसकी बूढ़ी के। ओए असल में तू उदास हो गया है, तुझे कहता था ना, ओए ना मारा कर, जवान औलाद है ना मारा कर। ओए ये तो बड़ी प्यारी चीज है औलाद। मुंशी वाकई मैं उदास हो गया हूँ, मैं पुत्र पुत्र ही हूँ मैं। मुंशी चल मेरे साथ यार, हम उसको शहर से लेके आए। अच्छा अच्छा अपनी
यूफोन सिम वापस लगाएं, 100 रुपए का बैलेंस और 1000 मिनट्स फ्री हासिल करते जाएं। आपकी वो यूफोन सिम जो यकम सितंबर 2010 से आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे अभी अपने फोन में वापस लगाकर सिर्फ 10 रुपए का बैलेंस लोड करें और फ्री लिखकर 234 पर SMS करके हासिल करें पूरे 100 रुपए का बैलेंस बिल्कुल मुफ्त। यही नहीं बल्कि 25 दिसंबर 2010 तक आप जितना बैलेंस लोड करते जाएंगे उतने ही मिनट्स पाएंगे बिल्कुल फ्री। पास कर। उसको जब ये खबर मिली ना कि उसके कारने का निदान होने वाला है, देख कैसे भागा आएगा वो। वाह मुंशी, तू वाकई बड़ा सयाना है। सलाम अलैकुम। आओ जी बल्ले। वालेकुम सलाम। की हाल है बनी रहो? ठीक ठाक? हाँ मैं बिल्कुल। तू सुना ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बनी रहो। डॉक्टर नहीं आई हुई है शहर से, इसका मायना कराया? लेकर आया क्यों नहीं, मैंने मैं आप नाल लेके गई हूँ उसको। मैं दरअसल ये पूछने आई थी, मीदू का कोई खत आया आने का? लिखा उसने खत तो आया है, पर आने शाने का कोई नहीं बताया। पता नहीं क्या वहाँ पे नीरे नोट जमा करता जा रहा है लश्कर के लिए। आए, ना मेरे को ना दा पता, मैं आप कान तो फाड़ के लाया हूँ वापस। मनीरो मैंने तेरे चाचे को ना वो लिफाफा दे के भेजा जिसमें खत नहीं आता, उसके बाहर उसका पता लिखाया ना। मैंने कहा जा जाके मुंशी को आख कि उसी पते पे ना शहर चला जाए तो जाके मेरे पुत को ले आए। अरे अब कोड़ा मुंशी जाता भी है कि नहीं जाता? ले मुंशी की क्या औकात है कि ना जाए, और फिर ना गया ना तू फिक्र ना कर, मैं आप जाके अपने वीर को लेकर आऊंगी। तेरे सदके जावा तू है ही पागल। सलाम चौधरी। वालेकुम सलाम नियाज अहमद। सुना ओए, 10 लमरी छोड़ तो नहीं दी तूने? ओ चौधरी, 10 लमरी छोड़ के और करूंगा क्या? या ये भी सही है, और तो फिर ठीक है ना। ये ले 5000 रुपये। एक काम करना तूने मेरा। पर काम क्या है? कोई खास नहीं है, बस मुनीरो नाम की इस पिंड में एक औरत रहती है, उसकी मर्जी चुरानी है तुम्हें। काम पक्का होना चाहिए, यह सब मैं कहता हूं। और से सुन, और खास बात यह है ये खुरा पक्की जमीन तक ही जाना चाहिए। काम हो जाएगा, अब जा तू। सबा, तुम मुझे क्यों नहीं साफ साफ बताती कि तुम्हारी शिराज से क्या बात हुई थी? अम्मा बताया तो है, उसने टाइम मांगा है। ओहो, कितना टाइम मांगा था? कोई लिमिट तो नहीं बताई थी उसने? तो फिर दोबारा उससे मिल और उससे साफ साफ पूछ के उसने क्या फैसला किया है। इतनी जल्दी क्या है अम्मा? जल्दी है ना कमबख्त, ये जो हमीद है ना, ये शिराज को वरगला रहा है कि अपनी बीवी से सुलह कर ले। हमीद? लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेगा? मुझे तो यही समझ आ रहा है कि वो हमें इस घर से निकलवाना चाहता है। वो ऐसा क्यों चाहेगा? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? कुछ ना कुछ बात तो है। ये भी हो सकता है कि वो हमें इस घर से निकलवाकर जारिया को भी यहाँ ना आने दे और शिराज की सारी दौलत पे कब्जा करना चाहता हो। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमीद से तो मैं निपट लूंगी, उसकी तो फिक्र मत कर। तू शिराज से बात कर और पूछ के उसने क्या फैसला किया, कहीं देर ना हो जाए सबा।
I'll try. हमीद, तुम यहाँ? खैरियत? शिराज भाई, मैं अली को स्कूल लेने जा रहा था ना, तो अभी टाइम था, तो मैंने कहा आपसे मिल लूँ। अच्छा, ये नासा बाद में देखेंगे, ठीक है? बैठो अमित, बैठो। शिराज भाई, वो मैंने उस दिन आपसे कुछ कहा था। हाँ, लेकिन मैं उस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्या हो गया शिराज भाई तुम्हें? अल्लाह ने इतना सोना बेटा दिया और मुझे देखो, 5 साल हो गए हैं, औलाद के लिए तरस रहा हूँ। औलाद क्या चीज़ होती है ये मैं ही जानता हूँ। शिराज भाई, मैं अली में अपना पुत्र देखता हूँ, मैं उसे दुखी नहीं दे सकता। देखो हमीद, ये तकरीर तुम मुझे पहले भी सुना चुके हो, मैं इस पे मजीद बहस नहीं करना चाहता। शिराज भाई, मुझे बस अली की माँ का पता चाहिए। क्या कहोगे तुम उससे मिलके? बता। कहना क्या है शिराज भाई, तरले वास्ते डालूंगा, मना लूंगा उसे मैं। लेकिन एक बात याद रखना, वो सिर्फ एक ही सूरत में मेरे घर वापस आ सकती है, कि वो जब सब कुछ छोड़ के आए और पूरा पूरा वक्त मेरे घर को दे। समझ गए तुम? शिराज भाई, वो काम क्या करती है? डॉक्टर है वैसे तो वो, लेकिन वो एक NGO चलाती है। हाँ जी, एक तंजीम है, इंसानी हकूक की तंजीम, वो लोगों को उनके हक दिलवाती है। हंस क्यों रहे हो अमी? शिराज भाई, आप बस मुझे उसका पता दे दें। ठीक है, पता तुम्हें ड्राइवर बता देगा, लेकिन एक बात याद रखना हमीद, तुम उससे मिलने वहां अकेले जाओगे, अली तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है शिराज भाई। अलैकुम जी। जी, किससे मिलना? मुझे जी अली की माँ से मिलना है जी। कौन हो तुम? मैं अली का चाचा हूँ जी। चाचा? हाँ जी, चाचा ही समझे जी, मैं शिराज का दोस्त हूँ। जारिया से क्यों मिलना चाहते हो? मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ जी, इस तरह आपस के झगड़े से ना उनके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा जी। तुम कौन होते हो ये बात डिस्कस करने वाले? चले जाओ यहाँ से। जी वो, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ अम्मा? कौन हो तुम? जी मेरा नाम मीर है जी, मुझे अली की माँ से मिलना है जी। शेराज ने भेजा है तुम्हें? नहीं जी, मुझे अली ने भेजा। तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ बैठो। कहो, क्या कहना चाहते हो? मुझे मुझसे अली का रोना देखा नहीं जाता जी, आपको बहुत याद करता है। लेकिन तुम हो कौन?
कुछ भी नहीं हूं जी, मैं अली की देखभाल करता हूँ। शिराज ने मुझे तनख्वाह पे रखा है। ओ, तो अब शिराज को अली की देखभाल के लिए नौकरों की जरूरत पड़ गई। देखे जी, मैं आप दोनों की सुलह करवाना चाहता हूँ। शिराज को बता कर आए हो? हाँ जी, शिराज की इजाजत से आया हूँ जी मैं, आपको मनाने, आपको समझाने के लिए। फिर तो उसने तुम्हें अपनी शरायत भी बताई होंगी। देखिए जी, कुछ बातें मान लेने से आपकी जिंदगी में अगर सुख आता है तो कोई हर्ज नहीं उन बातों को मान लेने से। उसकी शरायत के खिलाफ मेरी भी कुछ शरायत है। यही मशवरा तुम शिराज को क्यों नहीं देते कि मेरी बातें मान लेने में कोई हर्ज नहीं है? मैं तो अली का कुछ नहीं लगता जी, पर उसका दुख महसूस करता हूं। तो उसकी मां है, मां होके भी आप उसका दुख नहीं महसूस कर सकते? आप दोनों को तो बस अपनी अना ही याद है। तुम यहां से चले जाओ प्लीज। अजीब, मैं तो समझता हूं जी कि अगर आप अपना वो काम छोड़ के अपने घर को, तो क्या बुरा कर रही हूं मैं? हाँ, लोगों के हकूक के लिए उनका साथ देती हूँ बगैर किसी मफाद के, किसी लालच के। उनकी बेहबूद के लिए काम करना अच्छा लगता है मुझे, मुझे सुकून मिलता है। क्या क्या यही मेरा जुर्म है? झूठ बोल रही हैं आप, आपको लड़ना चंगा लगता है। हमें अपनी अना के लिए लड़े या दूसरों के हकूक के लिए? जो माँ अपने बच्चे को हकूक नहीं दे सकती वो दूसरों को क्या हकूक देगी? कैसी माँ है आप? तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। और माफ कर दें जी, मैं लड़ नहीं सकता, और आप भी लड़ाई छोड़ दें। आप हार गई हैं। अपने बेटे से मिलने के लिए कितना तरसती होंगी ना, पर मिल नहीं सकी। कानून भी आपको आपके बेटे से मिला नहीं सका, सारे रास्ते बंद कर लिए हैं आपने। हूं तो एक ही रास्ता बची है, आखिरी रास्ता, हार मान के जीत जाओ। तुम मुझे हार जीत की फिलॉसफी मत समझाओ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूं। जा सकते हो तुम यहां से। हाय शिराज। हेलो। क्या बात है, जब से ऑफिस से आए हो यहाँ पे अकेले बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं तो मैं तुमसे पूछने आई थी कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। सबा, मैं खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा कि तुम्हारे हक में फैसला करना मेरे और अली के बारे में क्या ठीक रहेगा। अगर फैसला मेरे बारे में कर रहे हो तो महज अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है सबा। तो फिर क्या बात है शिराज, मेरे में ऐसी क्या बुराई है जो तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझते? देखो सबा, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। और शादीशुदा इंसान हो तो फिर अकेले क्यों हो? क्यों नहीं ले आते अपनी बीवी को वापस? क्यों रखा हुआ है अली को उसकी माँ की ममता से दूर?
नहीं ला सकते ना, क्योंकि वो तुम्हें खुद छोड़कर गई है और वो तुम्हारे पास वापस भी नहीं आना चाहती। और जो तुम्हें अपनाना चाहती है, तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती है, उस पर तुम्हें कोई भरोसा ही नहीं है। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठ जाऊं जी? हाँ हाँ बैठो मुनीरो। पांडा जी मेरी रिपोर्ट लिखो। ओ, अब किसकी रिपोर्ट लिखवाने आ गई हो तुम? नहीं, मैंने मेरी मंजे चोरी कर ली हैं। चलो अब तेरी मंजे चोरी हो गई हैं। ओ जी मंजे गायब हुई हैं तो मैं आई हूँ ना सवेरे सवेरे रिपोर्ट लिखवाने। पर तुम कैसे कह सकती हो कि मंजे रहीमे ने चोरी की है? पर उसके अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है ना थानेदार जी। पापा मुनीरो तू तो रहीमे के पीछे ही पड़ गई है हाथ धो के। हाँ हाय मैं कह रही हूँ वो ही है, उसने ही मेरी मज्जे चोरी की हैं। और थानेदार जी तू उसकी हिमायत कर रहे। आपा मुझे ये बता कि तेरे पास सबूत है? है तेरे पास कोई सबूत मज्जे चोरी होने का? ना सबूत ना गवाह। मैं जो कह रही हूँ कि उसने मेरी भैंस से चोरी की है, उसने मुझे धमकी दी थी ना कि वो कुछ ना कुछ मुझे तंग करने के लिए करेगा, देख ले मेरी भैंस से चोरी हो गई है। मेरा तो और कोई दुश्मन नहीं है थानेदार जी, और क्या सबूत चाहिए आपको? ओ जा बीबी जा, इस तरह पर्चे नहीं काटे जाते। मैं रिपोर्ट लिख देता हूँ तेरी मज्जे चोरी होने की, रहीमे को तफ्तीश में शामिल भी कर लूंगा, उसको हवालात में बंद भी कर दूंगा अगर वो मुजरिम निकला तो। और तू जानती है एक दफा मुजरिम मेरे हाथ लग जाए ना मैं कड कड़ाके देता हूँ। हाँ ये तो क्या कर रही थी? है वापस जा रही हूं अपने कार। क्या चली तो नहीं हो गई तू? है ना तुझे हो क्या गया? कुछ भी हो अम्मा मैं अब्दुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। देखती है इस तरह तो तेरी हार हो जाएगी। पैसे कौन से मैं जीतती हूं? जो भी होगा ना नसीबों में झेल लूंगी मैं। देख मेरी दी मेरी एक गल गौर से सुन, तू इस तरह उस घर जाएगी ना तो हौली पड़ेगी, वो तेरे ऊपर और जुल्म करेंगे। मैं हर जुल्म सहलूंगी अम्मा, पर अब्दुल्ला के बगैर मैं अजियत नहीं सह सकती अम्मा। बस मैंने फैसला कर लिया अम्मा, मैं जा रही। या अल्लाह मेरी दी के नसीब चंगे करे, उसे खुशियां दे सुख दे दे। लुखड़ियाड़ गोठी किसी भी बड़ी बस्ती से कोसों दूर, लेकिन जुम्मन को इसकी फिक्र नहीं। कहता है
बच्चा 8 बीमारियों से बच सकता है अगर सारे हिफाजती टीके लग जाएं पहले ही साल में। जब ये दो चाहे जितना भी दूर जाना पड़े अपनी अल्लाह बचाई को 8 बीमारियों के हिफाजती टीके लगवाना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का एहसास सेहतमंद घराने की बुनियाद। वही मुझे तो आज बड़ा ही मजा आया, वही बड़ा मजा आया। और मनीरो सबसे पहले तो थाने से दलील होके आई है और उसके बाद सारे पिंड में अपनी भैंसों की चोरी का खुरा वो खुद ही नापती फिरती है बेचारी। बड़ा ही बुरा हाल है इसका, बड़ा ही बुरा हाल है। जीरे एक काम कर, मनीरो के घर जा, उसे पैसों की चोरी होने का अफसोस कर, अबे उसे कह के काउंसलर साहब ने पकाम दिया है और ये कहा कि काउंसलर साहब की खिदमत में हाजिर होकर अपनी पैसों की बाजियाबी के लिए अपील करे। ओ ना भाई ना, और मैं ये काम नहीं कर सकता, और मुझे जान से मार डालेगी वो। जा चलिया कम लिया, मुनीरों से तो ऐसा डरता है जैसे कोई पुलिसियों से डरता है। ओ चोरी रहीम, पुलिस की मार की और बात होती है, वो ये कोई चीज ही वखरी है। और भाई मैंने इसे अपना मत्था नहीं पड़वाना, मुझसे नहीं होगा ये काम। छोड़नी से और चली जाए यहाँ से। ना अम्मा ना, ऐसे ना कह। देख मैं हार मन के आई हूँ, मुझे माफ कर दे। माफ करती मेरी ज्योति तुझे। ऐसे ना कह, मैं तेरी जुतियों में भी बैठ जाऊंगी। देख तू जैसे कहेगी ना मैं वैसे ही करूंगी। अरे ये देख अल्लाह का वास्ता, उससे मेरा पुत्र ना छीन, उसे मुझसे माफी ना कर अम्मा। हाँ भाई किधर? मैं बड़ी पुल हो गई मुझसे। देख देख मैं तेरी इज्जत हूँ, तू मुझे इस कार से जाने के लिए ना कही, माफ कर दे मुझे। ठीक है जाके अम्मा के पैरों में बैठ जा और माफी मांग। ना मैं ना, कोई जरूरत नहीं पैरों में बैठने की, माफी नहीं मिलेगी इसे। छोड़ दे अम्मा छोड़ दे। ले फिर अगर इसकी आकड़ टूटी गई है तो माफ कर दे इसे, और बिना तू भी कान खोल के सुन ले, अम्मा की इजाजत के बगैर तूने कोई काम नहीं करना। तूने साफ ही अम्मा से इजाजत ले के लेनी है। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है, तू जो कहेगी मैं करूंगी। चल फिर ठीक है, पूरे घर झाड़ू फेर, ये 2 हफ्ते तो सफाई नहीं हुई, पूरा घर साफ कर दे। चल जा। जनाब तफ्तीश तो मुकम्मल हो चुकी है, भैंसों के खुरे में रोड पर जा चढ़े हैं सड़क पर, उसके बाद डाले में डालकर शहर की तरफ ले गए हैं। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि रहीमे के खिलाफ हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। सर मुस्तकिल कोई सबूत नहीं मिल रहा। ठीक है। माय नेम इज सरफराज भट्टी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रॉम नैब, लाहौर से आए हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर, बैठो ना, तशरीफ रखो। हम यहाँ बैठने नहीं, चौधरी अब्दुल रहीम काउंसलर को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। उस पर बल्दियाती बजट गबन करने का चार्ज है, फौरी तौर पर नफरी तैयार करें और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ठीक है जनाब, जो जन आपका ऑर्डर। चलो तकी जवानों को तैयार करो। बेहतर सर। चलो भाई चलो। अब फड़ा, तेरी मत मारी गई थी जो घर छोड़ के चली गई थी तू, और आई वड्डी सियाणी मुंडे नु भी साथ ले गई थी।
जिवें हाथ टूटे हुए सन साडे। कहती है मैंने इस घर में आना नहीं। कैसे आई है रास्ते पे? क्या लेने आओ यहाँ पे? गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन ऊपर गिरफ्तार कर क्यों रहा है मुझे? तुमने बलदियाती बजट से बहुत कुछ खुद बुर्द किया है। इतना ही बता देना तुम्हारे लिए काफी है। बाकी जो कहना हो एहतसाब अदालत के सामने कहना। इसके सारे घर की तलाशी लो, नकदी और जमीन के कागजात जब्त कर लो, ले चलो इसे थाने में। छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद आए रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद आए रे। आंखें बरस बरस गई, तरस तरस दे दे एक झलक हाय रे। अपना आप न पाए तेरे बिन मुझे, चैन कहीं ना आए तेरे बिन मुझे। दे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे।